नमस्कार दोस्तों, टेक में गुरुजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, टेक में गुरुजी में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। और आज आपके लिए ऐसा जॉब लेके आया हूं जो अभी जो आपके सामने डिप्लोमा वाले हैं, जो डिप्लोमा जीएनएम से कर रखे हैं, जो लड़कियां जो है डिप्लोमा कर रखी हैं जीएनएम कोर्स से, मेडिकल वालों की बहुत बम्पर भर्ती आई हुई है। वो भी किस चीज़ में आया आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए, उत्तरी कोल फील्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट है 2018, स्टाफ नर्स और 53 पदों के लिए है, 53 पद हैं टोटल। और जो है जिसमें से आपको कितने स्टाफ नर्स के लिए भी हैं, टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट आपको मिल रही है, और कितने कितने पोस्ट हैं उसकी बात हम करते हैं अभी आगे वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखें ताकि आप समझ सकें कि हाँ कितनी पोस्ट किस चीज़ की है। और फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, जितने भी डिप्लोमा नर्सिंग से कर रखे हैं या फिर डिप्लोमा कर रखे हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, सब अप्लीकेबल है यहाँ पे। चलिए तो वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रोसेस है फॉर्म का, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रूल्स हैं इसके, क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये देखिए, उत्तरी कोल फील्ड्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है आगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, नाथक कोल फील्ड लिमिटेड की वैकेंसी है ये। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि 8 अक्टूबर है और आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर बात करूँगा मैं तो इसकी, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए 8 अक्टूबर इसकी स्टार्टिंग डेट है और 12 नवंबर लास्ट डेट है। स्टाफ नर्स के टोटल पद 48 हैं, 48 पद आपके जो है स्टाफ नर्स के हैं, और बाकी जो पद हैं ये भी दिखा दे रहा हूँ। टेक्नीशियन सीटी स्कैन के पद जो है 3 पद हैं, और जो है टेक्नीशियन एमआरआई जो है, टेक्नीशियन एमआरआई की ग्रुप सी के 2 पद हैं, 3 पद जो है आपके 48 पद तो स्टाफ नर्स के हैं पहले, फिर टेक्नीशियन सिटी स्कैन के 3 पद हैं और टेक्नीशियन एमआरआई के जो है 2 पद हैं। मतलब जिसने भी स्टाफ नर्स उम्मीदवार, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, तो उम्मीदवार को 10+2 पास होना चाहिए। मतलब वो पहली बात तो 10+2 होना चाहिए, और फिर उसके पास किसी भी एक ग्रेड में नर्सिंग डिप्लोमा, जैसे कि आजकल चल रहा है जीएनएम कोर्स चल रहा है और तमाम प्रकार के जो है डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी आपके पास है, कम से कम 3 साल का कोर्स होना चाहिए, ये अनिवार्य है इस पद के लिए। तो 3 साल का कोर्स होना चाहिए तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब टेक्नीशियन पोस्ट की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक तथा AICTE से मान्यता प्राप्त, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। रेडियोग्राफी 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है रेडियोग्राफी का, अगर उसमें आपके पास डिप्लोमा है तो आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जैसे कि वो सिटी स्कैन और एमआरआई की बात कर रहा हूँ, 3 पद सिटी स्कैन के हैं, 2 पद एमआरआई के हैं, तो उसके पद के लिए आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो ये वो लोग भर सकते हैं जिनकी उम्र अभी तक 30 साल नहीं हो पाई है। ये 30 साल से ऊपर वाले इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज की कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है, मैक्सिमम एज 3 साल होनी चाहिए, 30 साल होना बहुत अनिवार्य है। 30 साल से अगर ज़्यादा होती है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फॉर्म को भरना कैसे है, चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये योग्य उम्मीदवार हैं इसके, उनको इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है ये है www.nclcil.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2018 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया लास्ट डेट इसकी 12 नवंबर है, स्टार्टिंग डेट 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, चाहे जैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही बम्पर, बहुत ही बड़ी जान लीजिए आप खबर है ये आप लोगों के लिए, जो डिप्लोमा करके अभी जेएनएम कोर्स या कोई भी डिप्लोमा कोर्स 3 साल का कर रखे हैं मेडिकल लाइन से, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर ये है। तो भैया ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, बस थोड़ी सी मेहनत करें, आराम से इसमें हो सकता है। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्ट नंबर कितना है पहले ये आप जान लीजिए, ऐसा ना हो कि आप समझ ना पाएं एम्प्लॉयमेंट एक्ट फॉर्म कैसे भरना है, पूरी बात मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये रेफरेंस नंबर इसका दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप, NCL HQ PD मान पावर DR 2018-19513। वैकेंसी नंबर देखा जाए तो 513 है। कब ये नोटिफिकेशन आया है, 11 तारीख को नोटिफिकेशन ये आया है आपके पास। फॉर्म अप्लाई कब से करना है, 8 अक्टूबर से इसका डेट स्टार्ट हो जाएगा करने का। और ख़ास कर ये स्टाफ नर्स की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की इसमें 48 पोस्ट गिवन है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों स्टाफ नर्स की बात करता हूँ मैं, तो ये स्टाफ नर्स का पहली पोस्ट है। देखिए स्टाफ नर्स का इसमें ये देखिए टोटल पोस्ट 48 है, अपर ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24 है, और एससी एसटी के लिए जो है 7 और 10 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए।
ये देखिए एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो पहले 10+2 होना अनिवार्य है, उसके बाद नर्सिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, और जिस कॉलेज से या जिस इंस्टीट्यूट से आपने नर्सिंग का सर्टिफिकेट ले रखा है वो AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। और टेक्नीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सीटी स्कैन और MRI की दो पोस्ट हैं यहाँ पे, तो 3 पोस्ट इसके जो है आपको टेक्नीशियन में मिल जाएंगे, टेक्नीशियन के सीटी स्कैन के, और MRI की बात करते हैं तो 2 पोस्ट उसके मिल जाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, सीटी स्कैन के लिए रेडियोग्राफी जो कोर्स होता है 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपका कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रेडियोग्राफी का, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ये क्राइटेरिया आप समझ चुके होंगे मेरे उम्मीद से, चलिए आगे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखिए इसकी मंथली पे स्केल, देखिए ये भी बहुत अच्छी स्केल है, इसकी पे स्केल बहुत अच्छा है, 31,852 रुपये इसका पे स्केल है दोस्तों। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रेड कलर से ये इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों 31,852 रुपये 56 पैसा ये आपका पे स्केल है इसका, ये स्टाफ नर्स के लिए। और एज लिमिट की बात करते हैं तो मैंने पहले आपको बता दिया 30 साल इसका मैक्सिमम एज है, 30 साल से ज़्यादा वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट आपको पहले ही बता दिया, 8 तारीख को स्टार्टिंग डेट है इसकी, फॉर्म 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए 8 तारीख से इसका स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट 12 नवंबर लास्ट डेट है इसका। ये देखिए जनरल मैनेजर मैन पावर ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ से आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है।